सुबे आप सब श्रोता समाज के प्रणाम करतनी। राम विवाह शिव विवाह के अपार सफलता के बाद एक बार फिर से आप सब खातिर एगो बहुत ही प्यारा प्रसंग सीता हरण गा रहल बानी। उम्मीद करतनी कि आप सबके असही प्यार आशीर्वाद हमरा ऊपर बना रहे। अब आई एह संगीत में सीता हरण प्रसंग के पात्र परिचय करा दी। ई प्रसंग लिखले बानी आदरणीय आर पंकज जी और हमार पिता श्री धर्मेंद्र दुबे जी। रिदम पे बानी राकेश जी, कृष्णा जी, अवि जी। कीबोर्ड पर हमनी के राजेश भैया बानी। बेंजू पर बानी बाबू जान जी और रिकॉर्ड कर रहल बानी हमनी के विनोद जी रचना ऑडियो विजन। ए प्रोजेक्ट के मिक्स कर रहल बानी एम फॉर यू स्टूडियो मनोज जी। आशीर्वाद बाटे हमार गुरु जी आदरणीय पंडित रामेश्वर तिवारी जी के। आ ई प्रसंग रुआ सब सुन रहल बानी अन्न दुबे एंटरटेनमेंट के माध्यम से। तो आई ए प्रसंग के आनंद लिहल जाओ।
चलल जाओ। ओह समय के बात बा जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अपना माता पिता के आज्ञा अनुसार 14 बरस के वनवास काटे आयल बनी। राम जी के साथे वहाँ के प्यारी जनक दुलारी सीता जी बानी और वहाँ के छोट भाई लक्ष्मण जी भी साथे बानी। एक दिन के बात है भैया, वही जंगल में राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई घूम रहल बानी और घूमे के क्रम में वही पंचवटी में एगो खूब सुंदर स्त्री से मुलाकात भइल, जेकर आँख नागिन जैसन चेहरा एकदम लुभावन आ उ स्त्री देखते ही राम जी पर मोहित हो गयी। आ जानतनी ओके रहे उ रही लंकाधिपति रावण के बहिन सुपनेखा। आ उ सुपनेखा राम जी पर मोहित हो गयी। कहतरी कि हे राजकुमार, हम तोहरा से ब्याह कर चाहतनी हो, तू कितना सुंदर बाड़ा हो। ये बात जब राम जी सुननी है तब एक बार सीता जी के तरफ नजर घुमैनी है आ कहतनी हे स्त्री, तू जानत नहीं हम शादी शुदा बानी शादी शुदा। अरे देखो हमार पत्नी कितना सुंदर बाड़ी। आ ई कहते हुए राम जी लक्ष्मण जी के तरफ इशारा कैनी है आ कहनी है हे स्त्री, आ ना होके तो तू इनके से बतिया लो। जब सुपनेखा शेष नाग के अवतार लक्ष्मण जी के तरफ देख ली है तब मने मने बड़ा खुश हो गयी है। तो सोचे लगली है एहे ई तो बड़का भैया ले सुंदर छोटके भैया बा। तो देखी मन में कैसन भाव लागता आ का कहतरी कैसे कहतरी। ब्याह कैला लक्ष्मण हो हमरा से ब्याह कैला। राजकुमारी हम तो हवा राजकुमार हो, सुंदर सफेद हम पानी सुकवार हो। राजकुमारी हम तो हवा राजकुमार हो, हमरा से तो प्रीतिया बेपनाह कैला, हमरा लक्ष्मण हो हमरा से ब्याह कैला। लक्ष्मण हो हमरा से ब्याह कैला। जब इतना बात लक्ष्मण जी सुन ले हा तो आग बबूला हो गई लहा, कहला हन कि हे स्त्री जा जा जा, अरे हम रघुकुल के बालक हैं, हमरा संस्कार में ये सब नहीं खे पतियो ना डोली। तब सुपनेखा नहीं हटत, कबो राम जी के पास जातरी कबो लक्ष्मण जी के पास जातरी दोल्हा पाती खेलतरी। इनका अपना रूप के घमंड बाई नहीं है मनी है। तब राम जी इशारा कैनी है आ इतने में भैया लक्ष्मण जी खट देना उनकर नकवे कनवा काट देनी थी। तब सुपनेखा अपन भाई खरदूषण के लगे गयी है। खरदूषण राम जी से युद्ध करे अलहन लेकिन राम जी सबके पराजित कर देनी है। तब सुपनेखा फिर अपन अंतिम सहारा भाई रावण के लगे गयी है। कहता रही है भाई
अरे धिक्कार बा तारा ई वीरता पर कि तारा रहते तारा बहिन के नाक कान कट गए। पूरा चुगली करके बढ़ावा तारी जगावा तारी अपन भाई रावण के। तो देखिए ऐ जाएगो गीत के भाव बा। अरे कि जागो जागो भैया रावणवा जगावो तारी बहिना सुपने खा रोवा तारी बहिना सुपने खा रोवा तारी बहिना सुपने खा सुसुमन वहां कटले नाक रोवा तारी बहिना सुपने खा तारी बहिना सुपने खा तू समना वहां कट लेना खाते गए रहे बनवा 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 हो राम घूमे खाते गए रहे बनवा मुदैया धैले हाथ घूमे खाते बहिना के कहले आपा माना बहिना के कहले अपा मनावा इज्जत के पढ़ुवे बात रोवतारी बहिना सुपने खा बाटे गोरे गो करिया करिया हो राम करिया 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 हो राम एक बाटे गोरे गो करिया भनुहिया तिरवा एक बाटे दुनु बाड़े छोरो हर जवाना बड़े छोरहर जवानवा जंगल में घूमे साथ रोवतारी बहिना सुपने खा तू समनवा कटले नाक बहिना सुपने खा। अब देखी जब इतना बात लंका के राजा रावण सुनला हन तब बात इज्जत पर आ गई आन बान शान पर आ गई अरे खानदान पर आ गई। रावण कलहन की है बहिन हम तहर एह अपमान के बदला जरूर ले हम ना छोड़े बकनी के आ रावण कमान कस के पलान करके आ अपना मामा के भीरी चल दिल हन। वो मामा के नाम बड़ा प्रचलित है मामा मारिच। रावण चल दिल हन मामा मारिच के पास आ कहत रहे कि ए मामा ए अब हमनी के एको ड्रामा करे के पड़ी। मारिच पूछले हन ऐसा क्या ए भगिना कवन ड्रामा करे के पड़ी बतावा। कले हा कि यह जंगल में दुगो राजकुमार आइल बड़े आ उनका संगे एगो खूब सुनर स्त्रियो आइल बड़ी तारा ओही में कुछ हमार मदद करे के बा।
मारिच कलहन के हे रावण। अरे तू ये का पागलपन करता र, अरे जानत रे उके हवन, अरे उ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवन, आ छोट भाई उनकर लक्ष्मण हवन, आ उनका संगे जन स्त्री बाड़ी उ माता सीता है। तब रावण माने के तैयार नहीं खे होत, ना ए मामा ड्रामा करहे के परी। मारिच बेचारा मन ही मन सोचे लगले कि अगर हम रावण के बात ना माने तो ये मरबे करी हमरा के, एहले बढ़िया बाकी काहे ना राम के हाथे मर जाई। श्री राम के हाथे मरला पर तरन हो जाई, जीवन सफल हो जाई, तो काहे ना डरामा कहिए लिहल जाओ। तब मारिच कहता रे बोला भगिना बोला का करे के पड़ी। रावण कहता, देखिए कैसे भाव लगता, रावण कहता आहो मामा आदेशा अनुसार माया रूपी मृग बन गेल बाड़े और पंचवटी में कुटिया के इर्द गिर्द घूम रहल बाड़े। जब ओह कपटी मृग के सीता माता देखली है तब ओकर लुभावन रूप देख के मोहित हो गई है। और राम जी से कहली है, हे प्रभु हमके ई मृग चाहिए, इनका के कसहू लेके आई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सब कुछ जानत रही कि आगे का होखे वाला बा, पर सीता के बात काट कैसे सकी ले। राम जी लक्ष्मण जी के समझौनी है कि हे लक्ष्मण ये जंगल है, आ ये जंगल में बहुत जानवर बाड़े, बहुत असुर बाड़े है जंगल में। तू ऐसन करा कि ये कुटिया पे रहा आ सीता के देख रेख करा, आ हम ओह मृग के लेके आवतनी। राम जी तीर धनुष लेके ओह मृग के पीछे चल देनी है। लक्ष्मण जी ओह कुटिया पर सीता माता के रक्षा करतनी।
मृग राम जी के देख के आगे आगे भागे लागल और राम जी पीछे पीछे। रावण के जोन प्लान बनाव रहे वो कार्य सफल होके लागल। राम जी तीर से मृग के जैसे ही मरनी, मृग जमीन पर गिर गई और चिल्लाए लागल, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। एने जब हाय लक्ष्मण के आवाज सीता माता के कान में पहुंचल, सीता जी बहुत घबरा गई और लक्ष्मण से कहली कि हे लक्ष्मण, तू जल्दी जा, तेरा भैया पर कोनो न कोनो संकट आइल बा। लक्ष्मण जी मना कैले कि ना ना माते, हम रउआ के छोड़ के ना जाइब, हमरा भैया पर कोनो संकट नहीं आ सकत, उनकर केहू कुछ नहीं कर सकत, उ तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवे। लेकिन तब वो सीता ना मान ली और जीत कैली। तब लक्ष्मण जी के विवश होके जाए के पड़ल। लेकिन जाए से पहले लक्ष्मण जी कुटिया के बहरी एगो लक्ष्मण रेखा खींच के गईले और कहले कि हे माते, चाहे केहू आ जाओ, कोनो संकट आ जाओ, कोनो परले आ जाओ, रउआ ए लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाए। और लक्ष्मण जी ई कह के राम के खोज में निकल गईनी। अब देखी एने रावण उत बड़ा छली रहे, सन्यासी के भेष बदल के रावण वो कुटिया के बाहर आके कहता कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। आयने सीता माता अपन प्रभु के याद में डूबल बड़ी, सोचत रही कि आखिर प्रभु कैसन बानी। लेकिन रावण लगातार भिक्षाम देही, भिक्षाम देही कहत जा रहल बा। ई आवाज सीता माता के कान में पड़ल तो कहतरी हे मुनिवर, का कहतनी? तब रावण कहता, हे देवी, हम बड़ा दूर से चल के आई बानी, हमरा बड़ा जोर से भूख लागल बा, प्यास लागल बा, अगर कुछ तहरा कुटिया में होखो खाए के तो हमरा के तनी जरूर दा। तब सीता माता अपना घर में गईली और जोन भी खाए के सामग्री रहे ओकरा के एगो थाली में सजा के लेके आईली। और जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करे के सोचली, उनका याद पड़ल कि नाना, हमरा ई लक्ष्मण रेखा पार नहीं करे के, हमरा से लक्ष्मण कह के गइल बाड़े चाहे कोनो परिस्थिति में ई रेखा पार नहीं करे के। फिर वो कहली, हे सन्यासी, ई भोजन रउआ खुदे जा के ले ली। लेकिन छली रावण कहता कि ना ना, अरे हम जोगी हैं, हम केहू के घर में कदम ना राखी ले। तो देखिए एगो गीत के कैसन भाव लागता। आवो न बहरे, अरे एक निया, आवो न बहरे भीख दे दगाव नहरे, आवो न बहरे भीख दे दगाव नहरे, दल चाउरा तसो तू भोरी अजुरे, दल चाउरा तसो तू भोरी अजुरे, आवो न बहरे, अरे आवो आवो, आवो न बहरे भीख दे दगाव नहरे। तोहरा दुआरा पाए
भीख दे दगा बनहरी आवन बहरी भीख दे दगा बनहरी विधान के उतार ना सकेला। रावण जोन सोचत रहे वो काम पूरा हो गई। आखिर सीता जी रावण के जाल में फंसिए गईली। सीता जी भिक्षा देवे खाती लक्ष्मण रेखा से कदम बाहर निकाल दे और तब छली रावण लपक के सीता माता के हाथ पकड़ लेलन और बड़ा जोर से हंसे लगलन। कहता कि हे सीता, हम हई लंका के राजा रावण, अब तहरा हमरा साथे लंका चले के पड़ी। रावण सीता के अपना पुष्पक विमान में बैठा के आकाश मार्ग से लंका के ओर प्रस्थान करे लागल। अब देखी माता सीता के हरण हो गई आ एह दुखद समय में कवि के एगो का भाव बा। प्रसंग समाप्त होता। हम आगे भी यही तरह के सुंदर सुंदर प्रसंग रउआ सबके बीच में प्रस्तुत करत रहब। अगर यह प्रसंग में हमरा से कोनो त्रुटि हो गई होखो तो अन्नू दुबे के अबोध बालिका समझ के माफ करब जा और आपन आशीर्वाद हमरा ऊपर असही बनौले रहब जा। तो प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय।